वेलकम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? हमारी नजर है पहाड़ और बुलहेरी। ठीक है, हम इसमें क्या जानेंगे, हम इसमें पहाड़ और बुलहेरी की बातचीत देखेंगे कि आपस में बुलहेरी और पहाड़ क्या बात कर रहे हैं और इसके मुसन्निफ कौन है जिन्होंने ये नजम लिखी है। इनके मुसन्निफ है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की कई सी आपने बहुत सारी किताबें देखी होंगी, बहुत सारी सुनी होंगी कि इन्होंने कितनी सारी नज़में लिखी हैं बच्चों के लिए, ताकि जिनसे बच्चे सबक हासिल कर सके कि इन नज़मों में क्या क्या बताया गया है बच्चों के लिए। अब पहाड़ और बुलहेरी में क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, कोई पहाड़ ये कहता था एक बुलहेरी से, एक पहाड़ बातचीत कर रहा है इस नज़म में बुलहेरी से, पहाड़ और बुलहेरी की बातचीत चल रही है। तुझको शर्म, तुझको हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। पहाड़ बुलहेरी से कह रहा है, अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म है तो तुम जाओ और जाके डूब मरो, जरा सी चीज है इस पर गुरूर, क्या कहना ये अकल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना, खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज बन बैठी, तेरी बस साथ है क्या मेरी शान के आगे, जमीन के पस्त मेरी आन बान के आगे, जो बात मुझ में है तुझ में वो कहां नसीब, बंधा पहाड़ कहां जानवर गरीब कहां। पहाड़ गुलहेरी से बातें कर रहा है, पहाड़ अपनी आन शान बान के बारे में बता रहा है ही पैदा किया है और तुमको भी खुदा ने ही
छोटा बड़ा नहीं कहलाता। बेटा इस अजम में आपको समझ आया होगा कि अल्लामा इकबाल ने समझाया है इस अजम में पहाड़ और भेड़ी की मिसाल देकर कि हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए।